ये तू कर क्या रही है? दिखाई नहीं दे रहा, तेरी गाड़ी में आग लगा दी और मेरे बस चलने तुझे ही डाल के। पागल हो गई है क्या? पागल तो मैं हो गई थी, जो मैंने तुझ में बिलीव किया और यू भी में बिलीव भी किया। तू एक नंबर का झूठा है झूठा। हुआ क्या बताएगी? Enough. I don't know तेरे आज के पागलपन की वजह क्या है, पर stop this nonsense, okay? वरना मैं डील तोड़ दूंगा। डील? डील का तो तू नाम ही मत ले। मुझे सब पता है इस डील के पीछे तेरे intentions क्या है। What are you doing, Kunj? ये जो बात पहले कर लेना चाहिए था। इसलिए बहुत दिनों बाद मेरे सामने आई हूँ। रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो। स्टॉप इट कुंज। क्यों? क्या गलत किया? कुछ गलत बोला? You know, I really like you. Really? तुम पागल हो या मुझे पागल बना रही हो कुंज? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं उसी शादी के लिए यहाँ पे बुलवाई गई। यू थिंक सो? मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ एक डील है मेरे और ट्विंकल के बीच में। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो क्या, रिलेशनशिप तक के बारे में नहीं सोच सकती जब तक तुम मुझे प्रॉमिस ना कर दो कि अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ लंदन सेटल हो जाओ। अगर ये कर सकते हो तो बता दो, वरना ये सब प्यार व्यार की बातें प्लीज मेरे साथ मत किया करो। लाइफ में ना हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, फैमिली की, दोस्तों की, प्यार की। ये चीज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी तुम भी इंपॉर्टेंट हो। कैसे छोड़ दूं फैमिली को, मतलब माँ को, सबको, कैसे? पर कोशिश तो करो एक बार। डैड पसंद करते हैं तुम्हें, हमेशा तारीफें करते रहते हैं तुम्हारी। माँ को तुम अच्छी लगती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्ट करने में। प्रॉब्लम ये है कुंज कि मुझे ना जॉइंट फैमिली के बारे में सोचते ही घुटन सी महसूस होती है। तुम्हें तो पता है मेरे डैड की बड़ी फैमिली थी, मैंने मेरी मॉम को रोज घुटते हुए देखा है और मैंने रोज रोज मेरी माँ को दूसरों के लिए 24 घंटे काम करते हुए देखा है, दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए देखा है और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे ना जीते हुए देखा है। यही दिया है जॉइंट फैमिली ने मेरी मॉम को विदाउट एनी अप्रिसिएशन। मैं अपनी मॉम के जैसे लाइफ नहीं जी सकती हूँ कुंज। कुंज पुत्र, व्हाट अ लवली सरप्राइज, रुके के बाद पहली बार कर आ रहे हो। बता तो देते, बाजे बाजे के साथ ग्रैंड स्वागत करते तुम्हारे। जी इसीलिए नहीं बताया, आपको बताता तो आप फॉर्मेलिटीज करते और मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता। भाई पुत्र, फॉर्मेलिटीज कैसी, होने वाला दामाद आए उसके अच्छे से स्वागत किया जाए, एक बेटी की माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी नहीं हो सकती। जी मैं ट्विंकल से मिल सकता हूँ? मैं उसे फोन लगाती हूँ। ट्विंकल किथे है तू? कुंज आया यहाँ, तुझसे बात करना चाहता है। ए ले लिफ्ट। हाय। ये जमाई राजा वाला रोल काफी सीरियसली नहीं ले रहे तुम? एक्सक्यूज मी, नो आई विल नॉट एक्सक्यूज यू बिकॉज़ यू आर एक नंबर का झूठा, धोखेबाज और कमीना इंसान। तुझसे झूठ बोला और अब मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं उठा रही हूँ, तो मेरी मॉम के थ्रू मुझे कॉल कर रहे हो, मेरे घर पहुंच गए तुम। लिसन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरी सच्चाई कुछ और है। एक बार मेरी बात सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। एक बार मिल सकते हैं? ओए सुन बे, समझ में तो तू आ गया, लेकिन फिर भी अगर तू और कुछ समझाना चाहता है तो एक चांस और ले। एक काम कर, अगले आधे घंटे में मुझे सनातन मार्केट के बेसमेंट में मिल। कोई है? ट्विंकल, युवराज, मैं आ गया हूं। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, जो भी हुआ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग।